सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप YouTube का डाटा किस तरह से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आपके भी फ़ोन में मतलब आप फ़ोन से YouTube को देखते होंगे तो आपको 1 GB या 1.5 GB का आप नेट करवाते होंगे और आप केवल 10 से 15 मिनट आप वीडियो देखते हो या फिर 1 घंटे तक आप वीडियो अगर देख लेते हो तो आपका नेट तुरंत ही ख़त्म हो जाता है और आपका 1.5 GB हो या 1 GB हो, सारा नेट आपका ख़त्म हो जाता है और फिर आपके फ़ोन में नेट रह ही नहीं जाता है और YouTube को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हो और आपका नेट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को मैं आपको सोल्व करवा दूंगा इस वीडियो में। अगर लास्ट तक आप वॉच करोगे तो मैं आपको ऐसा सेटिंग ऑन करने को बता दूंगा जिसको अगर आप ऑन कर लेते हो तो आपका नेट बहुत सारा बचेगा और आपका ज़्यादा भी नेट नहीं लगेगा और आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो भी आपका नेट जल्दी ही ख़त्म हो जाता होगा। तो दोस्तों, अगर इस सेटिंग को अगर आप ऑन कर लोगे तो आप शॉर्ट वीडियो देखो या लॉन्ग वीडियो देखो, आपका नेट ख़त्म नहीं होने वाला है। आप सारा दिन तक वीडियो चलाते रहोगे, मतलब सारा दिन तक YouTube चलाते रहोगे, फिर भी आपका नेट नहीं ख़त्म होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। मेरा नाम है विष्णु रसवाल और आप देख रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग YouTube चैनल टेच प्रो मी। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको YouTube का डाटा सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए आपको सिंपली YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर जैसे YouTube एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, वो जो सेटिंग है वो आपको YouTube के अंदर ही मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको YouTube एप्लीकेशन को ही ओपन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कोने में जो लोगो का दिखाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे फोटो का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोने में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पर यहाँ पर डाटा सेविंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसी डाटा सेविंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर डाटा सेविंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे आइकन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली सबसे ऊपर वाला ही आइकन आपको यहाँ पर ऑन करोगे तो इसे ये सारा ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको डाटा सेविंग मोड पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर सारा ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सारा ऑप्शन जो ऑन हो जाता है तो इससे आपका नेट बचने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर लिखा है रिड्यूस वीडियो क्वालिटी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपका वीडियो का क्वालिटी है ना, वो यहाँ पर स्लो होने वाली है, यहाँ पर आपका मीडियम में क्वालिटी रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आप कहीं कहीं पर वीडियो देखते हो तो एकदम HD क्वालिटी में हो जाता है, तो हमको देखने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन दोस्तों जब हमारा नेट खत्म हो जाता है तो हम जब अपना क्वालिटी चेक करते हैं तो वहाँ पर HD क्वालिटी में रहता है। तो इस तरह से इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो आपका जो क्वालिटी रहेगा वो घटे बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर आपका मीडियम में होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अपलोड वाईफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपलोड ओवर वाईफाई ओनली। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अपना जो वीडियो आप मतलब अपलोड करोगे तो वो यहाँ पर वाईफाई से भी अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर सारा ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 नंबर पर यहाँ पर वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर आपका रहेगा ऑटो पर, यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑटो पर यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। मैं यहाँ पर पहले से अपना डाटा सेविंग पर सिलेक्ट कर दिया था तो यहाँ पर आपका ऑटो पर रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डाटा सेविंग पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऑटो से उठाकर यहाँ पर डाटा सेविंग पर कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो यहाँ पर डाटा होगा वो मतलब मीडियम में चलेगा, यहाँ पर आपको ऑटो पर कर दोगे तो मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वालिटी बदलता रहेगा। जैसे आपका 144p में चल रहा है तो वो आपका 360 में चलने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको अगर आप डाटा सेविंग पर कर दोगे, यहाँ पर आप जैसे डाटा सेविंग पर कर दोगे तो आपका यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, आप जितनी क्वालिटी में चलाओगे उतनी क्वालिटी में यहाँ पर चलने वाला है। तो दोस्तों, इन दोनों सेटिंग को आप ऑन कर दोगे तो आपका यहाँ पर डाटा बहुत सारा बचने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करना, क्योंकि मैं ऐसा यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।